डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने अकाउंटिंग का थर्ड स्टेप शुरू करने जा रहे हैं। नाम है ट्रायल बैलेंस। यस, अकाउंटिंग साइकिल स्टार्ट फ्रॉम जर्नल एंट्री। देखो, लुका ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग की डबल एंट्री सिस्टम जो बनाई, उसकी जो शुरुआत थी वो किया उसने जर्नल एंट्री से, राइट? जर्नल एंट्रीज क्या काम करता है बोलिए? ओनली ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है, डेली ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है। फिर सेपरेशन करने का काम किया लेजर पोस्टिंग में, हमने वो भी देखा, राइट? फिर लेजर पोस्टिंग से हमने बैलेंसेस निकाले। क्या निकाले? जिसको अपन बोलते हैं बैलेंस कैरिड डाउन एंड बैलेंस ब्रॉट डाउन। और उस बैलेंसेस से हमारी फोर्थ स्टेप बनती है, नाम है ट्रायल बैलेंस। यही फाइनेंशियल अकाउंटिंग का अकाउंटिंग साइकिल कहा गया है, अकाउंटिंग प्रोसेस कहा गया है। अब व्हाट इज ट्रायल बैलेंस? अगर मैं ट्रायल बैलेंस की बात करूं तो ट्रायल बैलेंस इज नथिंग, इट्स जस्ट अ लिस्ट ऑफ डेबिट क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट। लिखिए, ट्रायल बैलेंस मींस द लिस्ट ऑफ डेबिट या क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट। ये और कुछ नहीं है, केवल एक लिस्ट है किसका? जो लेजर बैलेंसेस है, जो बचता है उसका। सर आप कहना क्या चाहते हो, ट्रायल बैलेंस आ जाएगा? बिल्कुल आज के आज ही आ जाएगा, उसके लिए दो दिन भी लगते नहीं है। लेकिन क्या सुनो, ट्रायल बैलेंस ऐसे देखो, एज अ अगर हम प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं या प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो ट्रायल बैलेंस इस तरीके से बनता है कि एक अकाउंटेंट सबसे पहले अपने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है। कहाँ करता है? जर्नल के अंदर। ए बेटा इतना देखो, एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर एक अकाउंटेंट सबसे पहले करता है, वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है इन द फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्री। उस ट्रांजेक्शन को वो सेपरेट करता है लेजर प्रोसेसिंग में। फिर साल भर का वो हिसाब किताब निकालता है, उसको बोलते हैं बैलेंसेस। क्या बोलते हैं? और बैलेंसेस निकालने के बाद उस बैलेंसेस की एक लिस्ट बनती है, उसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। यानी अगर आप प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा मैं आपके लिए, तो एक अकाउंटेंट बनने के नाते या चार्टर अकाउंटेंट बनने के नाते आप ये चारों स्टेप परफॉर्म करोगे। लेकिन एज पर एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दूं कि ट्रायल बैलेंस आपको दो तरीके से आएगा, लॉन्ग कट शॉर्ट कट। बोलो एक बार, लॉन्ग कट? वैसे कोई शॉर्टकट प्रोसेस होती नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ में, लेकिन थ्योरेटिकल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो लॉन्ग कट या तो शॉर्टकट। लॉन्ग कट आज सिखाऊंगा, शॉर्टकट आगे सिखाएंगे जब हमारे लॉन्ग कट मेथड खत्म हो जाएगी। और एक बात, जैसे कि हमने तय किया था कि आपका जर्नल लेजर और ट्रायल बैलेंस सिखाने के बाद ही मैं आपका डायरेक्ट एसपी शुरू करूंगा, क्योंकि मेरे साइड से एसपी बाकी है। बस आपको ओसीएम का कंसेप्ट, मेरा ओसी का एम नहीं, ओसी का कंसेप्ट मैक्सिमम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपका कवर किया हुआ है, अगर आप नोटिस करोगे तो कंसेप्चुअल। बाकी यहाँ लैंग्वेज की बात कर रहे हो तो लैंग्वेज आपको 11th में यहाँ पे हम बना के नोट्स बनाते हैं डिस्कस होके, 12th में नहीं, 12th में आपको प्रिंटेड मिलती है, 11th में हम यहाँ पे डिस्कस करके अपने पॉइंट्स खुद के रख के प्रेजेंट करके अपने व्यूज देकर हम अपने नोट्स बनाते हैं। क्योंकि अगर एक बार वो बच्चे को कला आ गई बनाने कैसा है, वो समझ गया उनको, तुम्हारी कोई भी एग्जाम रहे, बड़े से बड़ी एग्जाम रहे या छोटे से एग्जाम रहे, आपको कभी रटना नहीं पड़ेगा कोई चीज़ का, क्लियर? तो वो चीज़ आपको 11th में सिखाई जाती है, स्किल्स डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग। ये पिक्चर, चलिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं। हाँ, अब मैंने क्या बोला, ट्रायल बैलेंस दो तरीके से बनता है, कौन सा? शॉर्टकट एंड लॉन्ग कट। अब शॉर्टकट एंड लॉन्ग कट क्या, सुनो, अब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसको नहीं समझा और नहीं पूछा और मैंने पूछा ये पांच छड़ियां पड़ेगी, समझा? क्लियर? सुनो, ध्यान दो। देखो, वो पहले लॉन्ग कट की बात करते हैं। लॉन्ग कट क्या होता है? लॉन्ग कट में क्या होता है,
अकाउंटेंट पहले, जर्नल एंट्री निकाल बच्चा, सॉरी देखो प्रैक्टिकल लाइफ में तो एक ही चीज होती है लॉन्ग कट, थ्योरेटिकल लाइफ में दो चीज होती है लॉन्ग कट एंड शॉर्ट कट। ट्रायल बैलेंस को, ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने का दो मेथड, बोलो कौन सा, लॉन्ग कट एंड शॉर्ट कट। ये लॉन्ग कट शॉर्ट कट ये नाम है सिर्फ, हमने बनाया है, पेपर में आपको ये नहीं मिलेगा, पहचानना पड़ेगा। क्या बनेगा, अब कैसे सुन लो, अगर आपको पेपर वाले ने बोला प्रिपेयर जर्नल एंट्री, प्रिपेयर लेजर पोस्टिंग, प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, तो इसका मतलब लॉन्ग कट बनाओ। क्या बनाओ कि पहले जर्नल बनाओ, एंट्री करो पहले, फिर लेजर पोस्टिंग करो, और फिर ट्रायल बैलेंस बनाओ। इन्हें स्टेप थर्ड स्टेप तक जाओ यहां तक, लेकिन ये हो गया लॉन्ग कट। क्या हो ये, लेकिन कभी कभी क्या होता है, पेपर वाला आपको डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस पूछता है। क्या पूछता है, हाँ बेटा इधर आ, हाँ आपको शॉर्टकट मेथड भी लेता है। अभी शॉर्टकट क्या है सुन लो, ध्यान उधर देखो, आपको आएगा 8 मार्क्स के लिए प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस ओनली डायरेक्ट। अब सर डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस कैसे आएंगे करते हैं हमको, तुम्हारे मन में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, हाँ सुनो देखो, प्रैक्टिकल लाइफ में डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस बनता ही नहीं है पहली बार तो, पूछो क्यों, जब तक कि हमें लेजर के, ये लेजर के बैलेंस ये वाले मिलते नहीं है जो हमने निकाले, जो हमने निकाले, तब तक हम ट्रायल बैलेंस एलिजिबल ही नहीं है प्रिपेयर करने के लिए। तो सर फिर क्या, तो आपको अगर डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस देगा पेपर वाला तो आपको डायरेक्ट बैलेंसेस निकाल के देगा वो, यानी यहां तक के वो आपका काम करके देगा पूरा रेडीमेड, आपको हर एक लेजर का बैलेंस निकाल के देगा वो, और उससे डायरेक्ट आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है। इसको बोलते हैं शॉर्टकट मेथड, जो प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती है। पूछो क्यों, अरे अगर तुम प्रैक्टिकल लाइफ में अकाउंटिंग करोगे तो सबसे पहले तुम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे, फिर तुम लेजर बनाओगे, फिर बैलेंस निकालोगे, फिर ट्रायल बैलेंस बनाओगे ना, तुम्हें प्रैक्टिकल लाइफ में बैलेंसेस कहाँ से मालूम पड़ेंगे, कहाँ से किसका बैलेंस क्या बचेगा, जब तक आप प्रिपेयर नहीं करोगे लेजर तब तक बैलेंस मिलेगा नहीं, और बैलेंस नहीं मिला तो उसके बिना कभी ट्रायल बैलेंस बनता ही नहीं। बिकॉज वॉट इज ट्रायल बैलेंस, इट्स नथिंग जस्ट अ लिस्ट ऑफ डेबिट क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट। सारे लेजर का जो बचा हुआ बैलेंसेस है वो उसकी हम एक लिस्ट तैयार कर देते हैं, उसी को बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। और आज से हम प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं लॉन्ग कट मेथड की, किसकी कर रहे शुरू, हाँ, और फिर लॉन्ग कट होने के बाद हम जाएंगे शॉर्ट कट मेथड में। फिर मैं आपका अकाउंट फिलहाल के लिए रुका दूंगा, तो क्लियर, और फिर हम शुरू करेंगे एसपी। क्या करेंगे हम शुरू, आपका अनादर सब्जेक्ट जो मेरे पास सरेंडर किया गया है, गॉट इट क्लियर, समझा आपको, हाँ। अब यहाँ पर ध्यान दो प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू ऑल ऑफ यू, सबसे पहली बात मैं यहाँ बात करूँ कि सर आज ट्रायल बैलेंस बनाओगे या बनाएंगे, तो उसके लिए पहले हमको कुछ ट्रांजेक्शंस जर्नल में, फिर लेजर उसकी बैलेंस निकालेंगे, फिर ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। तो फटाफट बनाओ, एक बार तुमको ट्रायल बैलेंस बनाने आ गया, आ गया, क्या बोल रहा हूँ, तो तुमको मैं उमंग दूंगा जितने भी तुमने लेजर पीछे बनाए हुए सबके ट्रायल बैलेंस बना के चेक कर लो। ट्रायल बैलेंस एक इंस्ट्रूमेंट है, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है, चेक करने का कि यहाँ तक कि हमारी अकाउंटिंग बराबर हुई कि नहीं हुई, अगर पीछे गड़बड़ी हुई होगी तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा, और गड़बड़ी नहीं हुई होगी तो ट्रायल बैलेंस अपने आप फ्री में टैली हो जाएगा। ओके क्लियर, चलिए तो आज लॉन्ग कट मेथड से करते हैं, पहले जर्नल, फिर लेजर, और फिर ट्रायल, फास्ट प्रक्रिया करनी पड़ेगी। अच्छा मैं ज्यादा नहीं दे रहा हूँ क्योंकि हमको जर्नल, लेजर, ट्रायल तीनों बनाने पड़ेंगे, इसलिए हम थोड़े कम ट्रांजेक्शन दे रहे हैं आपको ताकि हम लोग फटाफट तीनों स्टेप पे जा पाए। तो इसका प्रोफार्मा कैसे बनता है, आपके माइंड में ऐसा क्वेश्चन आएगा, इसका प्रोफार्मा कैसे बनता है, राइट, हाँ। तो इसका प्रोफार्मा दो तरीके से बनता है, तो यानी क्या, करने के तरीके भी दो और प्रोफार्मा भी दो, यस, पूछो क्यों, लिस्ट है ओनली, क्या ये, अरे और कुछ नहीं, लिस्ट जैसे अपन घर के राशनिंग के लिस्ट नहीं बनाते क्या, वैसे इन लेजर्स को लिस्ट में उतारते हैं, उसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस, खत्म विषय, पिक्चर ही खत्म। अच्छा एक और बात समझिए, इस लिस्ट में किन का नाम आएगा, इस लिस्ट में किन का नाम आएगा, जो लेजर्स का बैलेंस बचेगा उसका,
जिसका कोई बैलेंस नहीं बचेगा उसका इस लिस्ट में नाम नहीं आएगा आवेश। और अगर नाम नहीं आया तो नो नीड टू पुट अप इन ट्रायल बैलेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर लेजर अकाउंट। गॉट इट? अच्छा सर, करना क्यों है? मैं क्यों कर रहा हूं? इसके सिवा फाइनल अकाउंट नहीं बनता। देखो अकाउंटिंग की प्रोसेस क्या है, जर्नल से बनता लेजर, लेजर से बनता ट्रायल, ट्रायल से बनता फाइनल, समझा? हाँ, क्लियर। और फाइनल के बाद अकाउंटिंग साइकिल फिर रिपीट हो, इन्हें इन सबके बिना ही अधूरे है क्या ये, इसलिए समझा आपको, क्लियर? ओके डन। तो क्यों बनता है, क्या करते हैं, सब समझ आया? एक क्वेश्चन लिखो जल्दी पढ़वा, चलो लॉन्ग कट मेथड लिखो ऊपर, हेडिंग दो ट्रायल बैलेंस। आज आपको एक एमसीक्यू मांगता है, द लिस्ट ऑफ डेबिट क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट, क्या क्या होगे? ट्रायल बैलेंस। ओके क्लियर? हाँ, आज है ना जिसका पेपर है अकाउंट तक, और पेपर तक के आते आते इंग्लिश अकाउंट का पेपर आते आते तुम्हारा ये स्टेप भी हो जाएगा, लेकिन पेपर में ये नहीं आएगा। पेपर में तुमको जर्नल लेजर और क्लासिफिकेशन अकाउंट पूछ सकते हो। चलो ऊपर हेडिंग दो ट्रायल बैलेंस लॉन्ग कट मेथड। ओके कंटिन्यू। देखिए आपको लॉन्ग कट मेथड का क्वेश्चन कैसे आएगा, लिखो जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन यानी इसका मतलब है जर्नल एंट्री मारो कॉमा प्रिपेयर लेजर अकाउंट, प्रिपेयर बोल रहे हैं प्रिपेयर, एंड ट्रायल बैलेंस, प्रिपेयर लेजर अकाउंट एंड ट्रायल बैलेंस। अब आपका ट्रायल बैलेंस पूछा है पेपर में तो आपको निकालना पड़ेगा फिर, ट्रायल बैलेंस ऑफ मैसर्स कौन बाकी है, मैसर्स की दुकान, मनीष ने रुको, भावेश तो बाकी है ना, देखो भावेश पे चलो। ओके भावेश तेरी दुकान खोल के चलते हैं आज, तीनों से हम सब कौन है अभी, भावेश के अकाउंटेंट, कौन है भावेश के अकाउंट, दुकान की अकाउंटिंग करेंगे। लिखो क्वेश्चन, फर्स्ट दिसंबर 2022, ठीक है क्लियर? एक काम करो करो, लास्ट का मना हो गया, मजा नहीं आएगा। अच्छा अकाउंटिंग ईयर कितने टाइप के, दो बोलो कौन से, देखो फर्स्ट जून 2022, 23 को 23, चलो सुनोगे ना, लिखो ये बाबा, ए लिख रे, मिस्टर भावेश इंट्रोड्यूस्ड कैश रुपीस 5 लाख कॉमा बिल्डिंग रुपीस 20 लाख, ठीक है, इन बिजनेस, ओके क्लियर, गॉट इट?
इसकी एंट्री आती है, एंट्री पे मेरा फोकस नहीं है ना, बताना मैं क्लियर। हाँ, और नहीं आते तो घर बैठो अभी, अब तुमको आना चाहिए। कैश परचेस रुपीस कर दो, क्या हुआ बेटा आस्था, तेरी फ्रेंड नहीं है क्या, तेरी फ्रेंड नहीं आई, चलो ओके। ए कहा लड़कियों में जाती, देखो धंधो वो उनका, उनको पेटेंट्स है वो, समझा, पेटेंट्स, गॉड ने उनको पेटेंट्स के भेजा उस चीज के लिए, पेटेंट्स का मतलब था स्पेशल राइट्स, यस, उनका ये जन्म सिद्ध अधिकार है, समझा। गर्ल्स का आपस में सुबह झगड़ेंगी, शाम को एक ही था दिखेंगी तुमको, एक क्या करें, चलो हमको नहीं पढ़ना चाहिए उनके बीच में, चलो इधर, हाँ यस लिखो, अभी चुप, गुड सोल्ड सोल्ड टू टू कमलेश, गुड सोल्ड टू कमलेश रुपीस एंड चेक रिसीव, ओके डन। अब लिखो 5th of June, बैंक informed that, हो गया डाल दिया मैंने शिवांग, बैंक informed that कमलेश का चेक, हाँ अब उस टूपी लगाना, कमलेश चेक has been again, has been dishonored, आ गया reversible entry, ठीक है बेटा। हाँ अब तुमको मालूम होगा reverse क्यों करते हैं हम bank को गायब करने के लिए, एक आधा expense ले ले, बस last दो entry रहो बाकी, हाँ क्योंकि ज्यादा एंट्री होगा तो फिर एंट्री में उलझ देंगे ना, हमको आज ट्रायल बैलेंस करना है ना बेटा, मेन फोकस, एक बार ट्रायल बैलेंस आ गया तुमको फिर 10 क्या 15 एंट्री वही करना है काम, मेरा काम है तुमको पैटर्न सिखाना, बाकी तो तुम रिपीटेशन वही करते ना उसमें क्या है, देखो हाँ सैलरी पेड टू भूमि, ए पीछे जाओ, सैलरी पेड टू भूमि रुपीस 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 ठीक है 6000 एंड लास्ट लिखो भी टाइम भी तो बाकी है हमारे पास बैकअप
कोई है बैकअप ना? हाँ हो जाता और सफिशियंट है। देखो 23 लास्ट है, एक आधी इनकम लेते हैं। इनकम इनकम क्या आएगी? इंटरेस्ट रिसीव कर दो, नहीं कमीशन रिसीव कर दो। उन्नीस क्लास के बाद जाओ, आप भी जाओ हिमेश भाई, आप कैप्टनों की उससे कम्युनिकेट कर रहे हो। अच्छा इधर आ हिमेश, इधर आ, इधर ना। देखो लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन किसको बोलते हैं, आ जाओ इधर। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको बेस्ट। इसके पहले मैंने कौन सा इनकम सोचा था लेने के लिए, लेकिन कैंसिल किया। ए हाँ दिखा, देखा इसके पहले मैंने कौन सा इनकम सोचा था, मैंने मिटा के कैंसिल किया। ये ले, देखो छह पड़ेगी, पूछो क्यों? योर अथॉरिटी इज हायर तो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑल्सो हायर, तो योर अकाउंटेबिलिटी इज ऑल्सो हायर, तो पनिशमेंट भी हायर ही पड़नी चाहिए। क्यों? ये नहीं पढ़ना चाहिए क्या? ले इधर, इंटरेस्ट की बात हो रही थी, किसकी हुई थी? इसलिए बोलते हैं आपस में बातें बंद करो, फिर समझता नहीं, फिर बोलते हैं हमको सर का समझ में नहीं आ रहा भाई, मेरे को जादू चढ़ी है मेरे पास। कॉन्सेंट्रेशन लैक कर तो कहां से आए ना? कमीशन रिसीव रुपीस 1500 कर दो। चलो अब इसकी एंट्री फटाफट मारोगे, एंट्री सिखाने में मैं कोई इंटरेस्टेड नहीं हूं यहाँ पे, मेरा फोकस ओनली थर्ड स्टेप रहेगा, ओनली कहा रहेगा, और थर्ड स्टेप क्या? अकाउंटिंग की ट्रायल बैलेंस। चलो लेकिन वो बिना एंट्री और लेजर की होंगी नहीं। हाँ अब फटाफट ये हो गया, क्वेश्चन बन गया आपका। आप फटाफट एंट्री करेंगे पहले, फिर लेजर बनाएंगे, फिर ट्रायल बैलेंस। चलो शुरू करते हैं यहाँ से। देखो यहाँ पे सॉल्यूशन, हिमेश क्लास के अंदर मुझे अभी किसकी आवाज चाहिए नहीं। In the book of Messrs. Bhavesh Traders, क्या बना रहे पहले हम? फर्स्ट स्टेप कौन सी? चलिए अब आज यहां तक हमने अकाउंटिंग सही की नहीं, हमको मालूम पड़ेगा। प्राची अपना गर्ल्स जोन संभालो, टेस्ट कैप्टन। डेट आइदर सीरियल नंबर पर्टिकुलर LF क्या आएगा यहाँ पे? लेजर पोलियो किया हमने ऊपर। डेबिट अमाउंट, अब डेबिट अमाउंट के सामने ब्रैकेट में यहाँ पे लिख के आना करेंसी, इंडियन करेंसी का साइन रुपीस। पूछो क्यों? आप 11 जो कर रहे हो वो इंटरनेशनल है। अरे भाई 11 से आप जो भी एजुकेशन कर रहे हो ना, गेन कर रहे हो, वो इंटरनेशनल लेवल पे चलता है वो। यानी आप अकाउंटिंग ये पढ़ रहे हो तो अमेरिका वाले भी यही पढ़ रहे होंगे। सर अमेरिका वाले डेबिट को डेबिटम अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट लिखते हैं। आपको समझ गया? कल आप यूएसए पढ़ जाओगे आफ्टर 12 या आफ्टर ग्रेजुएशन, तो आपका पढ़ाई वेस्ट नहीं हो कुछ भी, वो सब यही है वहां पे भी। इसलिए इंटरनेशनल लेवल की कोई चीज कर रहे हो तो
कौन से कर रहे हो कंट्री में, इंडिया में कर रहे हो, तो उसका करेंसी साइन देना पड़ता है। यहाँ पे नहीं कटूंगी, ये सी ए फाउंडेशन में कट होते हैं। ओके, मैं आपको अगर हायर लेवल की एग्जाम देनी है तो उसके लिए प्रिपेयर करा रहा हूँ, तो उसमें कट होते मार्क्स, आपको करेंसी साइन देनी पड़ती है। बताऊंगा ना बेटा, उसको क्लोजिंग एंट्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, उसकी एंट्री होती है बाय बैड डेट टू डेटर। बैड डेट लॉस है और डेटर को रिवर्स कर देते थे और उस जगह बैड डेट ले लिया था जगह, समझा, कोई बैलेंस नहीं। अभी ये नहीं समझोगे, बात वो आगे तो क्लोजिंग एंट्रीज बाद में। क्वेश्चन था कि बैड डेट की एंट्री क्या होंगी, बैड डेट की एंट्री, तो एंट्री होंगी बाय बैड डेट टू डेटर, डेटर से लेना बाकी था, अब वो दिया नहीं है तो उतनी अमाउंट उसको रिवर्स कर दिया, क्रेडिट कर दिया, और बैड डेट लॉस है मेरा इसलिए डेबिट कर दिया उसको, बैड डेट इट्स कम्प्लीटली लॉस। अच्छा छोड़ो उसको यार, फिलहाल अभी नहीं है, एज आएंगी तो सिखाऊंगा, सही समय आने दो, सीढ़ी दो चढ़ने की टेरिस देखते हैं तुमको। वाह बेटा, अभी दूसरी तीसरी सीढ़ी चल रही है, मंजिल बाकी है, तो मंजिल का दर्शन कैसे दूं तुमको मैं फिर। चलो शुरू करें, एंट्रीज मारो, मैंने कहा था तुमको। अच्छा सभी सभी एंट्री एक ही मंथ की है क्या, जून नरेशन लिख के ना पेपर में, इंग्लिश के सॉरी अकाउंट्स के, हाँ साइन कंपल्सरी होती है, इट्स अ फॉर्मेलिटी करके आओ तुम्हारी इच्छा। अरे पैसे जो होते यार क्या तुमको रहते हैं, तीन अनसीन जब एक ही है वहीं से देख के लिख के आना, बट कॉलेज तुम्हारा खुद इंटरेस्ट लेता नहीं, फर्स्ट एग्जाम्पल देख के आओ आपका पूरा निकल जाएगा। ओके 3 बजे कॉल करूंगा मैं आपको, 3:30 बजे कैसा रहा पेपर बता देना। चलो पहली एंट्री बोलो क्या है, बाय कैश अकाउंट डेबिट कितना, 5 लाख, और क्या आया है, बिल्डिंग तो 20 लाख है, और किस लाया मालक ने, तो मालक को देना बाकी है 25 लाख। इसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है इसलिए रफ्तार रोज हो रही है एंट्रिया। पनिशमेंट दे बेटा, पनिशमेंट दे, सब सुधरेंगी गर्ल्स। हाँ बोलो आगे, बोलो डेट क्या आएगा, 3rd Jan। हाँ बोलो क्या है, बाय परचेस कैश परचेस ना, अब हम कैश कभी परचेस नहीं करते, हम परचेस करते गुड्स, इसलिए हमने गुड्स परचेस इन कैश, तो एंट्री होगी बाय परचेस टू कैश। तो मैं ध्यान दो, अब यहाँ पे रुक जाता मैं, और रिवर्सिबल एंट्री बहुत सारे बच्चों को समझ में आती नहीं, रुक जाओ। कितना अमाउंट है, इसकी अमाउंट बोल, बीइंग गुड्स परचेस इन कैश, यहां बोलेंगे बीइंग कैश परचेस चलेगा। अब यहां पे रुक जाओ, अब सुनो क्या हुआ है, 4th June को हमने गुड्स बेचा है कमलेश को और उसने मुझे चेक दिया, क्या दिया है, तो मेरे पास क्या रहा, चेक। अब जैसे ही चेक आया मैं चेक लगा था बैंक को, और जब बैंक को चेक लगाया इंप्लाइड है क्या ये, तो मेरे को किससे लेना बाकी है, बैंक से, इसकी एंट्री होगी बाय बैंक अकाउंट डेबिट पक्का है, बराबर कि नहीं। और मेरे यहां से क्या गया, गुड्स आया कि गया, तो गया तो गुड्स क्रेडिट ना करते हो अपन सेल लिखते हैं,
बीइंग गुड सोल्ड एंड चेक रिसीव, बराबर कि नहीं? बोलेंगे बीइंग गुड सोल्ड टू कमलेश एंड चेक रिसीव, चलेगा? ये थी 4 तारीख की बात। अब 5 तारीख को मेरे को बैंक से फोन आएगी, आ जाओ सर। तो क्या हुआ? आ जाओ ना। गया, बोला ये लो आपका चेक। उसने मेरे को चेक दे दिया वापस। अब चेक दिया, मतलब चेक क्यों वापस दिया? नोटा तो नोटा। बोला उसके बैंक के पास गए, वो कंगाल कमलेश कंगाल पार्टी निकली। तू हंस क्यों रे? कमलेश कुछ घोड़ा लेके कुछ हाँ? कब से हंस रहे अंदर ही अंदर? मेरे को किसी का नाम है क्या? पेट नेम निक नेम? पापा का नाम है किसी का? नहीं है ना? चलो ओके। हाँ तो अब जैसे ही मेरे को बैंक के पैसे नहीं मिले, मेरे को बैंक से पैसे, तो मैं किसका गला पकड़ूंगा? अब मुझे किससे लेना बाकी है? तो कमलेश को मुझे कायदे से क्या करना चाहिए? जिससे कुछ भी लेना बाकी होता है उसको अपन क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। यानी कमलेश डेबिट होगा पक्का है, क्योंकि मुझे बैंक से पैसे नहीं मिले तो कमलेश मैं कुछ से लूंगा भाई अब पैसे, तो कमलेश अकाउंट डेबिट पक्का है। अब कमलेश को डेबिट कौन से रूल से किया? शिवांग। अब बैंक ने मुझे वो चेक वापस कर दिया और मैंने वो कमलेश के मुंह पर ये ले चेक वापस, मेरे को पैसे देना। क्या देना बेटा? पैसे देना, बराबर कि नहीं? अब बताओ, तुम बताओ, अब वो चेक मेरे यहाँ से आया कि गया? गया ना। और जब जहाँ मेरे को चेक मिल रहा था तो मैंने ये कहा था कि मुझे बैंक से लेना बाकी है। अब बैंक ने मुझे वो चेक वापस दे दिया, तो अब बैंक से लेना बाकी है क्या? है क्या? तुम बताओ, कायदे से बताओ, लेना बाकी है? नहीं ना। तो अब मुझे बैंक को गायब करना पड़ेगा ना। तो गायब कैसे होता है? उसका बैलेंस अगर नील करना है, नील, तो उतनी अमाउंट से हमें उसको, अब आप अगर बैंक का लेजर बनाओगे तो अपने आप बैंक गायब हो जाएंगी। देखना लेजर बनाते वक्त नहीं मिले, डिसऑनर हो गया ना चेक। कमलेश का चेक डिसऑनर हो गया, मुझे बैंक बोलती कि ये लो चेक लेके जाओ, अब हमें हमारे पास आओगे मत। जो जो पहले बैंक से पैसा लेना बाकी था ऐसे मान के चला था, अब वो लेना बाकी नहीं है। तो लेना बाकी नहीं तो उस पर्सन को मुझे गायब करना पड़ेगा ना। तो ये आर्टिफिशियल पर्सन बैंक को गायब करने के लिए मैंने रिवर्स किया, सॉरी यहाँ पे रिवर्सिबल सिस्टम से चलाया। कभी कभी कोई लेजर को जब हमें गायब करना होता है तो हम रिवर्सिबल सिस्टम से ही उसको रिवर्स करते हैं, ताकि उसका लेजर का बैलेंस अपने आप उतनी अमाउंट से निल हो जाए, ताकि ट्रायल बैलेंस में उसका अफेक्ट ना हो। अब देखो यहाँ पे बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं थी ना, अपने आप बैंक लेजर से गायब हो जाएगा। समझा मेरे प्यारे छात्रों? हाँ, 5,000 कर दो, समझ में आता तुमको? तुम अमाउंट में क्यों खेलते रहे? मेरा कंसेप्ट पे फोकस है, कंसेप्ट पे, अमाउंट पे नहीं। हाँ हाँ, समझा? क्लियर शिवांग? इसको बोलते हैं रिवर्सिबल सिस्टम। कभी कभी कोई लेजर का बैलेंस गायब करना है ना, तो उतनी अमाउंट से उसको गायब कर देना, रिवर्स कर देना। डेबिट बैलेंस है तो क्रेडिट कर देना, क्रेडिट बैलेंस है तो डेबिट कर देना। समझा आपको? इसको बोलते रिवर्सिबल सिस्टम। जो आपको एक टॉपिक आगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, क्या है उसमें हर बार बहुत सारी एंट्री को रिवर्सिबल सिस्टम से सही करना पड़ता है, जिसका बैलेंस ओवर हो जाता है। ओवर क्या? समझा क्या? चलो शुरू। और एंट्री है ना, काय का हाओ हो कर रहे? पहले एंट्री तुम्हारो। हाँ, सैलरी पेड टू भूमि, एंट्री बोलो। बाय सैलरी टू कैश, भूमि भूमि नाम नहीं आएगा आपको, क्यों? पर्सन का नाम आता, पेड हो गया है ना। सैलरी इज माई एक्सपेंस, डेबिट करो। और नोटा गई, कितना गया नोटा? आगे बोलो, लास्ट एंट्री है। कमीशन रिसीव्ड, एंट्री होंगी बाय कैश टू कमीशन रिसीव, इनकम को स्पेसिफाई करना भाई।
यार नहीं लिखा चलता है। लिख क्या ना हमें बता करना ही क्यों है। देखो हम उन लोग अकाउंटिंग में हम उन लोगों को हिसाब में रखते हैं जिनका हमें व्यवहार बाकी है। जब पैसे दे दिए अब काय का लेना देना बाकी नहीं है तो काय को भाई समझा क्या। सर्विस मिल गई पैसे दे दिए खत्म। अपन घर के प्लम्बर आपका घर का प्लम्बर प्लम्बर बनाता बराबर की नहीं तो हम पूछते कहते नाम क्या है अकाउंट डालना है हमको तो पता भी नहीं होता है। सर्विस मिल गई कितने पैसे हो भैया हम लिखते हैं प्लम्बिंग एक्सपेंस टू कैश सही कि नहीं। तो जिस पर्सन को सर्विस मिलती है उनका नाम तुम्हें रिकॉर्ड करना ही क्यों है। हाँ रिकॉर्ड की जरूरत तब पड़ती थी जब उनका लेन देन बाकी होता था। क्या होता था बाकी होता था। हाँ अरे घर का प्लम्बिंग नहीं दुकान का बोला था सॉरी घर का तो ड्रॉइंग ही है। हाँ तो कल लिख के आऊँ घर को प्लम्बर लेके आऊंगे बोलेंगे 20 लाख खर्चा के प्लम्बिंग का लिखूंगे दुकान में प्लम्बिंग एक्सपेंस टू कैश। किसने सिखाया सर ने सिखाया। अबे घर का खर्चा है वो पर्सनल एक्सपेंस क्या है वो। हाँ जैसे अभी मैंने कोचिंग क्लास में प्लम्बर बुलाया उसने तो वो मैं दिखा था बिजनेस एक्सपेंस में लेकिन यही मेरे ऊपर के घर का खर्चा आ गया। ड्रॉइंग क्या है मेरी कितना अमाउंट रे चलो कितने लेजर बनेंगे नाउ। अरे बाप रे कैश 1 2 3 परचेस 4 बैंक 5 कमलेश 6 सैलरी 7 और कमीशन हाँ सेल्स सेल्स भी है भैया सेल्स 6 7 8 9 बनेंगे 9 अकाउंट्स। अब फटाफट 5 मिनट दे रहा हूँ लेजर पोस्टिंग की प्रक्रिया खत्म करो चलो। हाँ लेजर पोस्टिंग की प्रक्रिया अरे ट्रायल बैलेंस तब तक होगा नहीं ना फिर इसलिए बोल रहा मैं चलो फटाफट बनाओ लेजर बड़े बनाना बड़े पूछो क्यों बैलेंस निकालना इसलिए तुम्हारे एलआईटी कॉलेज का प्रिंसिपल चेंज हुआ है ना अभी तुमको तो बोला सबको मेरे कॉलेज में एडमिशन लो मस्त प्री में इंटरनल मार्क्स और एक और बात है। हाँ बनाओ नहीं 9 अकाउंट्स लेजर संपूर्ण कौन से कॉलेज में तू एक मिनट रिकॉर्ड चालू है चलो मैडम 20 मिनट लेट करो 12:30 कर दो वही थी देखते हैं। ए आवाज भी करो साढ़े बारह हो जाएंगे ना बस ना फिर 12:30 ही करो ना अरे ट्रायल बैलेंस 2 मिनट ही बनता है
क्या बनते हैं? वो दो मिनट करने के लिए इतने पापड़ बेल रहे अपन। चलो रेडी। अरे नहीं, क्या नहीं होने चाहिए तुम कभी। हाँ, पहला लेजर का नाम क्या है बोलो? प्रोफार्मा बन गया मेरा, कैश अकाउंट। दूसरा बिल्डिंग अकाउंट। तीसरा कैपिटल अकाउंट। वेरी गुड। चौथा सेल्स परचेस। ओके, परचेस अकाउंट। लेजर आगे पीछे हुए कोई प्रॉब्लम नहीं आता। बैंक अकाउंट नौ है। फिर सेल्स, फिर कमलेश, आगे सैलरी, लास्ट है बाकी कमीशन रिसीव। मैंने हमेशा तुमको बताया स्पेसिफाई करना इनकम को। मजाक मजाक में तुम्हारे तीन स्टेप चालू भी हो गया आज। हाँ मैडम, मेरे को इसका लगा ही नहीं इस बार ऐसा कुछ। बट स्टिल फिर भी टाइम लगा था। चलो शुरू करते हैं लेजर पोस्टिंग। हाँ, पहली एंट्री सामने रखो। एंट्री है बाय कैश अकाउंट डेबिट बाय बिल्डिंग डेबिट टू बिल्ड कैपिटल। पहले डेबिट के फिक्स करते चलो। अब बताओ एंट्री में मैंने कैश को डेबिट किया है, तो कैश के डेबिट साइड में जाओ और नाम लिखो अंदर क्रेडिट का। अब देखो नाम क्रेडिट किस रखो है टू कैपिटल अकाउंट, लेकिन अमाउंट किसकी? कैश की। अमाउंट जिस लेजर अकाउंट में पोस्टिंग कर रहे हो उसकी। तो ये लेजर अकाउंट था कैश का, इसलिए हमने लेजर में अमाउंट में पोस्टिंग भी उसी की किया। क्योंकि एक इफेक्ट। अब पकड़ो बिल्डिंग को। अब बताओ हमने एंट्री में बिल्डिंग को क्या किया है? कुणाल, तो बिल्डिंग के कौन से साइड में जाऊं मैं? हाँ ए शांत बसा। ये दिखने के बाद सब आता था। कौन सी साइड में जाऊं? हाँ तो एंट्री में मैंने बिल्डिंग को डेबिट किया है, तो बिल्डिंग के डेबिट साइड में जाओ और नाम लिखो क्रेडिट का। अब डेबिट साइड मालूम ना कौन सी है? अब नाम क्रेडिट किसका है? कैपिटल। तो यहाँ पे नाम कैपिटल ही आएगा वापस, लेकिन अमाउंट कौन सी आएगी कुणाल? बिल्डिंग की। 20 लाख, 20 पेटी है ना खोक। अबे खोके में तो करोड़ होता है। क्या बटे क्या सीखा तूने फिर? हट चलो। ओके 20 लाख बोले तो 20 पेटियां कितने होते? हाँ, और दो 20 करोड़ बोले तो 20 खोके क्या होते? हाँ चलो आगे बढ़ू। हाँ नेक्स्ट, अब बताओ कैश का इफेक्ट कर दिया, बिल्डिंग का भी कर दिया, कैपिटल को पकड़ो। अब एंट्री में नील कैपिटल को क्या किया है हमने? तो कैपिटल के क्रेडिट साइड में जाओ और नाम लिखो डेबिट का। अब क्रेडिट साइड कौन सी है नील बता? राइट की लेफ्ट? राइट पक्का? राइट ओके। तो राइट साइड में जाएंगे और नाम लिखेंगे डेबिट का। अब डेबिट में कितने नाम है? दोनों आएंगे, बाय कैश अकाउंट बाय बिल्डिंग अकाउंट। और दोनों को मिला के अमाउंट किसकी चाहिए? देखो दोनों को मिला के अमाउंट कैपिटल की आई क्या? 25 लाख। तो अमाउंट चाहिए कैपिटल की 25 लाख, 25 पेटी। चलो ओके नेक्स्ट।
हो गया डेबिट के सारे इफेक्ट हो गए, एंट्री भूल जाओ, नेक्स्ट एंट्री पकड़ो, बाय क्या है बोलो, बाय परचेस टू कैश करो फटाफट, परचेस की डेबिट में अपोजिट नेम, थोड़ा फास्ट करेंगे अभी, पोस्टिंग आती है सबको, तो परचेस की डेबिट में अपोजिट नेम टू कैश लिखो, अमाउंट परचेस की कितनी है 20,000 रुपए, हो गया एक इफेक्ट, अब पकड़ो हाँ कैश को, क्या किया एंट्री में कैश को, क्रेडिट किया है तो कैश के क्रेडिट साइड में जाओ, कैश के क्रेडिट साइड में अपोजिट नेम बाय परचेस अकाउंट, अमाउंट किसकी कैश की कितनी आएंगी, हो गया अब बताओ डेबिट कैफे को क्रेडिट का हो गया, भूल जाओ, नेक्स्ट एंट्री पकड़ो, बाय बैंक टू सेल्स, पहले डेबिट को पकड़ो, एंट्री में डेबिट किसको गया आवे सामने, ये एंट्री में डेबिट किसको गया देख, बैंक को, तो बैंक के कौन से साइड में जाऊं, वेरी गुड, बैंक के डेबिट साइड में जाओ, और बैंक के डेबिट में अपोजिट नेम लिखो, बैंक का डेबिट साइड तुम सबको दिख रहा क्या, इतना भाग डेबिट का इतना भाग क्रेडिट का, तो बैंक के डेबिट साइड में अपोजिट नेम लिखो, यहाँ पे क्या है टू सेल्स अकाउंट, वेरी गुड, लेकिन अमाउंट किसकी बैंक की कितनी है, क्यों गया एक इफेक्ट, अब पकड़ो सेल्स को, अब बता एंट्री में मैंने सेल को क्या किया है क्रेडिट किया ना, तो सेल के क्रेडिट साइड में, सेल्स के क्रेडिट साइड में अपोजिट नेम बाय बैंक अकाउंट, अमाउंट किसकी लेकिन सेल कितनी 5, क्या हमने डेबिट के और क्रेडिट के दोनों के इफेक्ट कर दिए, ट्रांजेक्शन कंप्लीट, नेक्स्ट एंट्री पकड़ो, हाँ नेक्स्ट एंट्री है कमलेश टू बैंक, अब पहले डेबिट को पकड़ो, एंट्री में डेबिट किसके कमलेश को किया है, तो कमलेश के डेबिट साइड में जाओ, कमलेश अकाउंट के डेबिट साइड में जाओ, अब कमलेश अकाउंट के डेबिट साइड में नाम लिखो क्रेडिट का, अब डेबिट की अपोजिट साइड कौन सा क्रेडिट का ना, नाम है टू बैंक ना, अमाउंट कितनी 5,000 रुपए, हो गया एक इफेक्ट, अब पकड़ो क्रेडिट को, अब बताओ बैंक को हमने एंट्री में क्या किया है क्रेडिट किया है ना, तो बैंक के क्रेडिट साइड में जाने का, और नाम लिखो डेबिट का बाय कमलेश, अब आप नोटिस करो बैंक का बैलेंस निल हो गया, नो बैलेंस कैरी डाउन आएगा, नो बैलेंस देखो बैंक अपने आप ट्रायल बैलेंस से गायब हो जाएंगी, इसको बोलते लेजर को गायब करना, समझा क्या, और जिसका नाम ट्रायल में आता नहीं उसकी एंट्री फाइनल में होती नहीं, सिंपल, आगे बढ़ू, हाँ नेक्स्ट एंट्री है बाय सैलरी टू कैश, पहले डेबिट को सैलरी को पकड़ो, अब बताओ एंट्री में सैलरी को क्या किया डेबिट किया ना, सैलरी के डेबिट में अपोजिट नेम टू कैश, अमाउंट सैलरी कितनी है 6,000, अब पकड़ो कैश को, हमने एंट्री में कैश को क्या किया क्रेडिट किया ना, तो कैश के क्रेडिट साइड में डेबिट का नाम बाय सैलरी अकाउंट, अमाउंट लेकिन कैश की, ये डेबिट के और क्रेडिट के दोनों के इफेक्ट्स हो गए, अब पकड़ो नेक्स्ट एंट्री को, एंट्री है बाय कैश टू कमीशन, पहले कैश को पकड़ो, एंट्री में कैश को डेबिट किया है, कैश के डेबिट में अपोजिट नेम टू कमीशन रिसीव अकाउंट, रिसीव लिख रहा रे बाबा, अमाउंट कितनी है, अब कमीशन रिसीव की क्रेडिट साइड में अपोजिट नेम बाय कैश, फास्ट नहीं हो रहा ना बेटा, बैलेंस निकालो ना, शक्ल के दिख रहे हो गया, होके कर रहे हो यार, रेस चल रही क्या यहाँ पे, होना किसको बोलते मालूम है, जब पूरे हो जाएगा क्या, लेजर पोस्टिंग कंप्लीट हो गई, सबके दो इफेक्ट कर दिए, अगर दोनों एक भी एंट्री का एक भी इफेक्ट रह गया तो आगे थर्ड स्टेप हमको दर्शा देंगी कपला घपला, यानी एरर,
यानी कुछ तो भी मिस्टेक है। ट्रायल मीनिंग इंस्ट्रूमेंट, क्या ये जानने के लिए कि यहां तक सब सही है कि नहीं। बेटा पीछे जाओ पीछे, ये बात करता तो नहीं बेचारा, जाओ कर। हाँ ठीक है, जा ठीक है जा। चलो अब पहला अकाउंट कौन सा क्लोज करोगे, कैश का। अब क्लोज करना आता है बच्चे लोग, लास्ट ट्रांजेक्शन लिखा वहां पर एक लकीर, तो लकीर खींचो एक लाइन छोड़ के, कौन से साइड की अमाउंट बड़ी आ रही, देखो जो साइड की अमाउंट बड़ी आई वो एक लकीर, दो लकीर अंदर लिखो। तो डेबिट साइड की अमाउंट बड़ी आ रही 515,000, नहीं 515,000, बराबर क्या। जो साइड की अमाउंट बड़ी आ रही है वो एक लकीर, तो लकीर के अंदर लिखा, उसमें से अपोजिट साइड की अमाउंट माइनस करो, डिफरेंस कितना आ रहा है, अरे 515,000 यानी 501,500 में से 26,000 माइनस करो। बेटा यहाँ घपला आया कुछ तो ट्रायल बैलेंस चल ही नहीं होगा, मैं करूँ जीरो में से जीरो गए जीरो जीरो, पाँच में से जीरो गए पाँच, ये एक में से छः जा सकते नहीं इसलिए 11 करने पड़ेंगे, एक और एक 11, 11 में से छः गए पाँच, इसके 9 करने पड़ेंगे क्योंकि इसको उधाई दिया था एक, यहाँ पे आएगा 9 में से 2 गए 7 और ये 4, 475,500 दे। डन, 475,500 डिफरेंस अमाउंट बची, ये डिफरेंस अमाउंट कहाँ आएगा बेटा, एक बार वेरीफाई कर लेना इसको, हाँ इक्वल करने के लिए भरो, क्या नाम से भरते, कैरी डाउन, पहले बैलेंस कैरी डाउन आएगा, देखो बाय बैलेंस कैरी डाउन, और जहां कैरी डाउन किया उसके अपोजिट साइड में बैलेंस को लेके आओ, करो ब्रॉट डाउन। मेरा टास्क ये नहीं है सिखाना, क्या आपको आता है ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, इसको नहीं आता है अब मालूम नहीं क्या करना है, चुल्लू भर पानी में लेके डूब मरो। ओके शुरू करें अभी नेक्स्ट, हाँ बेटा मैं शुरू करूँ क्या, नेक्स्ट एक लकीर खींचो, कौन से साइड की अमाउंट बड़ी आ रही, देखो क्या निकालो प्रॉफिट, ए हाँ जो साइड की अमाउंट बड़ी आ रही है वो एक लकीर, दो लकीर के अंदर लिखो, उसमें से अपोजिट साइड की अमाउंट माइनस करो, डिफरेंस कितना रहा 20,00,000, डिफरेंस अमाउंट कहाँ कम पड़ रहा, क्रेडिट साइड में कम पड़ रहा, तो इक्वल करने के लिए भर दो, क्या नाम से भरोगे, यस बैलेंस कैरिड डाउन, बचा हुआ अमाउंट हमेशा बैलेंस कैरिड डाउन नाम से आता है, बैलेंस कैरिड डाउन, और जहाँ कैरी डाउन किया उसके अपोजिट साइड में एक लकीर, जो कि नीचे वो बैलेंस को लेके आओ, करो ब्रॉट डाउन। ट्रायल बैलेंस बनने के लिए बैलेंसेस चाहिए, क्या चाहिए ये वाले, चलो नेक्स्ट कैपिटल, एक लकीर तो लकीर खींचो, कौन से साइड की अमाउंट बढ़िया, देखो क्रेडिट की आ रही बढ़ी, तो क्रेडिट साइड की अमाउंट बढ़िया, तो जो साइड की अमाउंट बढ़िया वो लिखो, एक लकीर तो लकीर के अंदर 25,00,000 है ना, उसमें से अपोजिट साइड की माइनस करो, डिफरेंस कितना आ रहा, चलो 25,00,000 आ रहा, हाँ कहाँ कम पड़ रहा बेटा, डेबिट साइड कम पड़ रहा, इक्वल करने के लिए भरो, क्या नाम से भरोगे, पहले बोलते हैं बैलेंस कैरिड डाउन टू बाय, देख लियो ऊपर, हाँ जहाँ कैरी डाउन किया उसके अपोजिट साइड में एक लकीर, तो लकीर नीचे तो बैलेंस को लेके आओ, करो ब्रॉट डाउन। ओके डन, हाँ आगे अब परचेज क्लोज करो, ऐसे सभी क्लोज करने हैं मेरे प्यारे छात्रों,
कौन से साइड की अमाउंट बढ़िया रही बताओ, डेबिट लिखा अपोजिट साइड माइनस का डिफरेंस आया 20,000 का, इसको बोलते हैं बैलेंस कैरिड डाउन। अच्छा एक बात पूछू क्या, कौन से साइड में हमेशा डॉट बनाएगा? जिस साइड की अमाउंट बड़ी आती है ना उस साइड में ही हमेशा डॉट बनाता है यार ना, क्योंकि उसका बचा हुआ बैलेंस है तो हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं उसको, कोई साइड में डेट चलाएंगे बाद में, अभी टाइम नहीं होता। सब है सब वक्त तो नहीं है, और वक्त कभी डबल नहीं आता। हाँ अब ये मजा है, बैंक, अब बैंक अकाउंट एक लकीर दो लगी थी, कौन से साइड की अमाउंट बढ़िया रही? इक्वल आ गई, नो बैलेंस कैरी डाउन, बस यहाँ पे टोटल करके छोड़ दो। इसका लेजर इस ये लेजर का एंट्री ऑफ ट्रायल बैलेंस में होगा नहीं, इसकी जर्नी यही समाप्त होती है, बाकी सब जर्नी आगे कंटिन्यू करेंगे। रिवर्सिबल सिस्टम किसको बोलते, समझा गया बेटा? ए शिवम, हाँ देखा, देख टैली नील हो गया ना, नील इसको बोलते गायब करना, क्या बोलते हैं उसको, यानी अब ट्रायल बैलेंस उसका नाम ही नहीं आएगा, यानी वही उसका लेजर गायब हो गया। चलो हाँ सेल्स अकाउंट देखो, कौन से साइड की अमाउंट बढ़ी आ रही, देखो ट्रेड साइड की लिखो, अपोजिट साइड की अमाउंट माइनस करो डिफरेंस की तरह, देखो तो बोलते हैं बैलेंस कैरिड डाउन, और जहां कैरिड डाउन किया अपोजिट साइड में प्रॉब्लम करो। अच्छा यहां तक की जर्नी इजी रही कि हार्ड रही? इजी है ना, अकाउंटिंग इजी है ना, वो जो बहुत लोगों का कंसेप्ट था अकाउंट्स द मैथ्स, अब वो कंसेप्ट ना दूर हो गया इधर उससे बहुत ही, लेकिन मैथ्स से स्कोपिक है, मैथ्स से ज्यादा स्कोपिक है। हाँ चलो कमलेश देखिए, आप कमलेश को एक लकीर खींचो, डेबिट साइड की अमाउंट बड़ी आ रही तो लिखो, अपोजिट साइड माइनस करो, कुछ नहीं है, मैं डिफरेंस आया 5,000 रुपये का, तो बोलते हैं बैलेंस कैरी डाउन, और जहाँ कैरी डाउन किया करो ब्रॉट डाउन। ओके नेक्स्ट है सैलरी, एक लकीर तो लकीर खींचो, डेबिट साइड की अमाउंट बड़ी आ रही देखो, अपोजिट साइड माइनस किया कुछ नहीं है, डिफरेंस अमाउंट आया बैलेंस कैरिड डाउन, और वही बैलेंस ब्रॉट डाउन। चलो अब कमीशन अमाउंट तुम क्लोज कर देना, सुनो जब चलो सुनो, अब मैं थर्ड स्टेप में कर रहा हूँ ट्रायल बैलेंस, स्टॉप राइटिंग हियर। ट्रायल बैलेंस बनाने के दो तरीके, तो प्रोफार्मा भी दो है, तो आज हम सीख रहे लॉन्ग कट का सीख रहे, लेकिन एक ही प्रोफार्मा में, कल मैं इसी का दूसरा नंबर प्रोफार्मा सिखा दूंगा चलेगा? नहीं ये एग्जांपल हम सेकेंड प्रोफार्मा भी कर देंगे। फॉर्मेट फॉर्मेट ट्रायल बैलेंस के दो फॉर्मेट है, सुनो आज के बाद तुम्हें पूछूंगा व्हाट इज ट्रायल बैलेंस, तो क्या बोलोगे? तुमने अगर इतना बोल दिया द लिस्ट ऑफ बैलेंसेस ऑफ लेजर, चलो क्या द लिस्ट ऑफ बैलेंसेस ऑफ लेजर तो भी चलेगा, क्लियर? चल हाँ अब सुनो, अब यहाँ पे ट्रायल बैलेंस का प्रोफार्मा कैसे बनता है देख लो उधर, ए ऊपर इतना ट्रायल बैलेंस, लिखना एज ऑन, वैसे तो ट्रायल बैलेंस साल के अंत में बनता है, क्या बनता है, लेकिन वो प्रैक्टिकल लाइफ की बात है, थ्योरेटिकल लाइफ में हम कभी भी इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, ओके क्लियर? जिस वक्त हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं उसी वक्त ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। अरे आ रहा कदम तुमने, तो एज ऑन यहाँ पे, अच्छा ट्रायल बैलेंस एक दिन का बनता है, क्या बनता है, और जो चीज़ एक दिन का बनता है ना ओनली एक दिन के लिए, मतलब एक दिन में ही, तो उसको बोलते हैं एज ऑन, क्या बोलते हैं उसको हम, उसके आगे लगाते हैं एज ऑन। यहाँ पे आती है डेट, क्या आती है यहाँ पे,
साल के अंत की, लेकिन अभी हम जून महीने में कहाँ हैं, तो तुमको समझाने के लिए तो ट्रायल बना रहा हूँ, ऐसे ट्रायल बैलेंस बनाने की नीड नहीं होती जून महीने में। हम ट्रायल बैलेंस कब बनाएंगे, या तो 31 दिसंबर को या 31 मार्च को। पूछो क्यों, क्योंकि अकाउंटिंग क्लोज करने के दो ईयर है, फाइनेंशियल ईयर या कैलेंडर ईयर, या इसके अलावा भी अगर हम कोई और ईयर में भी अकाउंटिंग क्लोज कर रहे हैं, साल खत्म कर रहे हैं, तो हम उस वक्त भी ट्रायल बैलेंस ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। अब आज ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ थ्योरेटिकल पॉइंट कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे डेट नहीं आएंगी, एज ऑन करके छोड़ देना, आगे यहाँ पे डेट लिखाऊंगा। समझा, क्लियर? हाँ, तो बस एज ऑन करके छोड़ दो, क्लियर? अब यहाँ पे प्रोफार्मा कैसे बना, प्रोफार्मा देखो इधर, ट्रायल बैलेंस का, ट्रायल बैलेंस का प्रोफार्मा दो फॉर्मेट में आता है, यहाँ आज पहला सिखा रहा हूँ, कल दूसरा, और उसी प्रकार ट्रायल बैलेंस करते भी दो तरीके से है। आज सिखा रहा हूँ पहला लॉन्ग कट, आगे कुछ दिनों बाद सिखाऊंगा शॉर्ट कट, जब तक ये पूरा नहीं होगा तब तक नहीं आएगा, क्लियर? चलो, अब ट्रायल बैलेंस से मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ तक एग्जाम्पल राइट है कि रॉन्ग है। बस 5 मिनट लगते हैं, दिन के 5 मिनट मैडम, गाड़ी सटा तो मैं, हाँ सुनो इधर, सबसे पहले यहाँ पे कॉलम आता है सीरियल नंबर, डेट नहीं। पूछो क्यों, क्योंकि यहाँ पे अकाउंट ट्रायल बैलेंस एक दिन का बनता है, वो हमने ऊपर लिखा दिया है बस, इसलिए यहाँ पे डेट लिखने की जरूरत तुमको नहीं है। यहाँ पे आता है लेजर का सीरियल नंबर, फिर यहाँ पे आता है नेम ऑफ अकाउंट्स, लेजर का नाम, नेम ऑफ अकाउंट्स। आप चाहो तो आप यहाँ पे पर्टिकुलर भी लिख सकते हो, लेकिन मैं प्रेफर नहीं करूँगा और मेरे टेस्ट में बिल्कुल नहीं डालना, डाल सकते, लेकिन मैं प्रेफर आपको नेम ऑफ अकाउंट से कराऊंगा, वो लेजर का नाम डालो, क्या करोगे? फिर यहाँ पे उसके बाद छोटा सा बनता है, छोटू सा LF, लेजर फोलियो, और फिर यहाँ पे दो साइड बनती है, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, और बैठे भाई डेबिट अमाउंट रुपीस एंड क्रेडिट अमाउंट इन रुपीस, खत्म विषय। ये बन गया तुम्हारा ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट, प्रोफार्मा, याद रहेगा, ये पहला प्रोफार्मा है, दो प्रोफार्मा बनते हैं, पहला ये, कल दूसरा कराऊंगा, अभी टाइम नहीं है तो आज कर देता था। अब इसमें वो बैलेंसेस डालने, कौन से बैलेंसेस, जो हमने लेजर के निकाले इतनी मेहनत करके, और हमें मालूम पड़ जाएगा एग्जाम्पल राइट की रॉन्ग। चलिए बच्चे लोग सुनो, अब यहां पे ए, अभी शांत, एक मिनट भी आवाज नहीं करना, कम चुप, सुनो अभी ध्यान दो, अभी ध्यान दो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एवरी लेजर हैज स्पेसिफिक बैलेंस, एवरी लेजर हैज स्पेसिफिक बैलेंस। अब हर एक लेजर को एक साइड का बैलेंस होता है, अब वो कौन सा बैलेंस है तो लॉन्ग कट मेथड में मालूम पड़ जाता है, शॉर्टकट में नहीं। क्यों पूछो, देखो ध्यान दो, अब जैसे लॉन्ग कट ट्रायल बैलेंस बनता किससे बनेगा, इन लेजर से, किससे बनेगा, हाँ ये लेजर सामने रखो और इनका नाम और बैलेंस लेके हमको नीचे आना है। सुनो, सबसे पहले हमारे सामने कौन सा लेजर है, हाँ कैश है। अब कैश का ब्रॉडडाउन का क्या है, ब्रॉडडाउन कैश का ब्रॉडडाउन कौन से साइड में किया हुआ है, तो क्या करना, जिस साइड में जो लेजर के जो साइड में ब्रॉडडाउन करोगे, ब्रॉडडाउन क्या करोगे, उस लेजर को वो साइड का बैलेंस। फिर बोलू, ट्रायल बैलेंस के अंदर जिस लेजर को आपने लेजर पोस्टिंग के दौरान ब्रॉट डाउन किया है जो साइड में, उस लेजर को वो बैलेंस। पूछो क्यों, क्योंकि हम ब्रॉट डाउन वहीं करते हैं
तो साइड बड़ी होती है, और जो साइड बड़ी होती है तो बचेगा भी उसी का बैलेंस ना भाई। अरे तुमको समझ में आ रहा है क्या? जैसे एग्जांपल दूं, देखो अब कैश अकाउंट है, अब कैश का ब्रॉट डाउन कहाँ किया है, डेबिट में कि क्रेडिट में? डेबिट में किया है कि क्रेडिट में किया है? पक्का मानते हो? तो कैश के, अब देखो कैश का ब्रॉट डाउन कहाँ किया है, डेबिट में, ये रहा। तो कैश की ब्रॉट डाउन की अमाउंट लेना, और जिस साइड ब्रॉटडाउन किया है वो साइड लेना, और उसको लेजर में वो साइड डाल देना, खत्म विषय। देखो इधर कैसे, सॉरी ट्रायल में, ट्रायल में देखो, ट्रायल में, अब ट्रायल में नंबर वन यहाँ लिखो कैश अकाउंट, यहाँ टू बाय नहीं आता, ये लिस्ट है सिर्फ। हाँ अब कैश का ब्रॉटडाउन कहाँ किया है, देखो डेबिट में किया है, तो कैश के सामने डेबिट अमाउंट में उसका ही बचा हुआ बैलेंस। ब्रॉटडाउन की अमाउंट कितनी, देखो ब्रॉटडाउन की अमाउंट कितनी है, डाल दो, हो गया। तो वही एंट्री ट्रायल बैलेंस में। योगी स्टूडेंट नहीं है क्या? मैं पूछ रहा हूँ योगी स्टूडेंट नहीं है? ओके समझा आपको, क्लियर हो गई लिस्ट में एंट्री क्या करना है? जिस लेजर को आपने ब्रॉटडाउन किया, क्या किया है, उस लेजर के वो साइड में उसका नाम ट्रायल बैलेंस डाल देना है, खत्म विषय। ब्रॉटडाउन की अमाउंट लेनी है, साइड वही और नाम उसका, खत्म विषय। अब नंबर टू देखो, नंबर टू कौन सा लेजर, देखो सामने रखो, बोलो बिल्डिंग अकाउंट। अब बिल्डिंग का ब्रॉटडाउन कहाँ किया है, हाँ तो साइड लो उसकी और अमाउंट लो और डाल दो, खत्म से बिल्डिंग में, लिस्ट में। लिस्ट है क्या ये? इट्स जस्ट अ लिस्ट, नथिंग एल्स। नंबर टू लिखो यहां पे, बिल्डिंग अकाउंट। इजी है, बताओ अमाउंट कितनी है, 20 लाख। अब डेबिट में डालना है कि क्रेडिट में, देख लेना भैया, 20 लाख हो गया। थर्ड अकाउंट देखो कौन सा है, खोलो कैपिटल। अब कैपिटल का लेजर का बैलेंस कहाँ डालना है, बोलो? यस, कैपिटल का ब्रॉटडाउन अपने डेबिट क्रेडिट में किया है ना, तो उसको कैपिटल का बैलेंस भी क्रेडिट में जाएगा ना, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस है। क्या ये? जिस साइड में जो लेजर के ब्रॉटडाउन किया है उसको वो बैलेंस होता है, क्या होता है उसको, हम बोल सकते कैपिटल को कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस, ऐसा। समझा आपको, क्लियर? अभी मैं आपसे पूछूंगा, आप बताना मुझे। चलो अब यहाँ लिखो, अब मैं बार बार लेजर नहीं खोलूंगा। अब यहां लिखो थर्ड नंबर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल को बचा कौन सा बैलेंस है, बताओ, क्रेडिट बैलेंस। कितनी अमाउंट है? हाँ, फोर्थ नंबर पे कौन सा लेजर है, देखो परचेज को ब्रॉटन कहां किया है, डेबिट में, तो परचेज डेबिट बैलेंस, क्या बोलोगे, कितना? फिफ्थ नंबर पे कौन सा है, बैंक, नो बैलेंस, क्रेडिट डाउन, छोड़ दो। हाँ तो फिफ्थ नंबर पे अब सेल लाना, सेल। अब से फिफ्थ तो वहां पे जीरो है, तो वहां का फिफ्थ नहीं आने करना है, सीरियल हमेशा 1 2 3 4 सीक्वेंस चलता है, हाँ बीच में घपले होते। हाँ तो यहाँ पे वो जिसका बैलेंस कैरी डाउन बटन आया ना, उसको लेके नहीं आना यहाँ पे, नो बैलेंस कैरी डाउन, नो बैलेंस डाउन, यहाँ नहीं आएगा। समझा आपको, क्लियर? हाँ, सेल्स लेके आओ, कितना अमाउंट, देखो कौन सी साइड में, हाँ छठवां नंबर देखो, कमलेश को कौन सा बैलेंस दिया है, कौन सी साइड का बैलेंस है, जहां ब्रॉटडाउन किया है वहां पे। किसको समझ में नहीं आ रहा, हाथ करो, सबको आ रहा, बोलो कितना अमाउंट है। हाँ सातवें नंबर पे, अरे बच्चा वो बैलेंस जो है वो लिखा ना अपन ने, बैलेंस का अमाउंट लेना ना बेटा, ये क्या है, अरे जो जो बचा हुआ बैलेंस है ना, बैलेंस ब्रॉट डाउन, वो अमाउंट लेनी है, और साइड भी जिस साइड किया ब्रॉट डाउन वो लेना है, साइड वही बैलेंस का अमाउंट वही। हाँ क्या हुआ, टैली हो गया,
टैली करना है टैली। अरे डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट कर, एक बजे का है अभी, एक मिनट। हाँ सात नंबर पे कौन सा, देखो सैलरी क्या किया है, सैलरी को ब्रॉट डाउन का किया है, ब्रॉट डाउन देखो ना। सातवां नंबर पे, आठवां नंबर कौन सा, मनी कमीशन। अब कमीशन रिसीव को कौन से साइड ब्रॉट डाउन किया है, क्रेडिट साइड। अबे अच्छा अब इसकी टोटल करना, अगर डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट हो गया, इन्हें यहां तक कि हमारा सब सही है अकाउंटिंग, आया क्या देख ले, ने कुछ ऊपर गड़बड़ किया। अगर डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट आ गई है तो मैंने एग्जांपल सही है, यहां पर डेबिट इक्वल्स 25,06,000 पक्का एक बराबर है क्या, 2506500 और क्रेडिट में आ रहा होता 25,06,500 ये आ गया डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट, ट्रायल बैलेंस बन गया। क्या था ओनली लिस्ट, क्या था ये, अगर लेजर बैलेंसेस गलत किए होंगे तो ये अपने आप गलत हो जाएगा। नहीं ओपन प्रिपेयर नहीं, प्रिपेयर होता ही है। हाँ चलिए हमें नाइस डे, देखते हैं कल और अच्छे देखेंगे, डोंट वरी कल शुरू करेंगे हम इसलिए।